अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को खुश रखे और कामयाब करे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम दो बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक क्लास का जो रिज़ल्ट है उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे, जो नई डेट आई है और बाकायदा जो है नोटिफिकेशन आ गया है, और आपको मैं आगे चल के वीडियो में भी दिखा दूंगा। और जो जिन स्टूडेंट्स ने जो है कंबाइन एग्ज़ाम देने थे या दिए हैं, इसके हवाले से भी जो है हुकूमत ने क्या डिसीजन लिया है, ये भी आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा। तो उसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू हैं, वो लाजमी नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जुड़े बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम जैसे ही कोई एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियो होगी, आगे आपके पेपर भी होने हैं गैस पेपर के हवाले से, वो भी हमने अपलोड करने हैं, तो इस हवाले से जो है जितनी भी चीज़ें आपकी एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियो होंगी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो इसलिए आपने लाजमी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक के रिज़ल्ट की जो डेट थी वो 14 सितंबर थी, और उसको जो है कैंसिल कर दिया गया था, यानी डिले किया गया है आगे। और अभी जो न्यू रिज़ल्ट की डेट आई है, और आप जो है साथ नोटिस भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं थोड़ा रीड करके बता देता हूं, और नीचे से आपने खुद रीड कर लेना है। तो स्टूडेंट, जैसा कि इस पे नोटिस पे लिखा हुआ है, लाहौर एजुकेशन रिपोर्टर काबीना ने प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी मिलने के बाद 18 सितंबर जुमे के रोज़ मैट्रिक के नतज जारी होने का इम्कान है। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है 18 सितंबर को जो है रिज़ल्ट आपका जो है अनाउंस कर दिया जाएगा, और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, और आपने जो है बिल्कुल इस नोटिस को पूरा पढ़ लेना है। यहाँ इंटर का भी जो रिज़ल्ट है उसके हवाले से भी बताया गया है, और जो मैट्रिक का रिज़ल्ट की जो डेट है उसके हवाले से भी जो है बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूज़ जो है ये कहाँ से आई मेरे पास, ये भी आपको बता देता हूँ। ये दुनिया न्यूज़ की जो प्रेस है वहाँ से मैंने जो है डाउनलोड की, और मैंने सोचा आप तमाम स्टूडेंट्स को जो है आगाह किया जाए इससे। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कंबाइन एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स की। तो इससे पहले आपको पता चले, जो मैट्रिक के रिज़ल्ट की जो डेट आई है अभी तक जो है 18 सितंबर तक चली गई है, और हो सकता है इसको मज़ीद डिले भी किया जा सकता है, हो सकता है इसी डेट को आपका जो रिज़ल्ट अनाउंस हो जाए। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको पता चले, जो कंबाइन एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स हैं उनने कुछ पेपर दिए हुए थे, यानी मैट्रिक क्लास के तो उनने कम्प्लीटली पेपर दिए हुए थे, और 9th के उनने 2 पेपर दिए थे। इस हवाले से जो है हुकूमत ने क्या लिया है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक भी जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ जुड़े बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लाजमी एक लाइक और नीचे कमेंट जो है ज़रूर किया करें। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट जो है कर दिया करें। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता चलूँ हुकूमत ने जो है कम्बाइन एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या जो है एक्शन लिया है। तो स्टूडेंट्स, हुकूमत ने अभी तक इसके हवाले से जो है कोई जो है बयान नहीं जारी किया। अभी तक जो स्टूडेंट्स जो खबर आ रही है वो ये है कि आप लोगों का जो है स्पेशल एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स का, जितने भी कम्बाइन जिनने दिए थे एग्ज़ाम, और उनका जो है स्पेशल एग्ज़ाम लिया जाएगा। और वो कब लिया जाएगा, यानी रिज़ल्ट के आने के बाद ही। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपका रिज़ल्ट आज, हो सकता है आपको जो है आपको भी प्रमोट कर दिया जाए, हो सकता है आपके जो है स्पेशल एग्ज़ाम लिए जाए, ये बात अभी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अल्लाह करे तमाम स्टूडेंट्स जो है कामयाब हो जाएँ अच्छे नंबरों के साथ, आमीन आमीन। तमाम स्टूडेंट्स जो है कमेंट में ज़रूर आमीन लिखें, हो सकता है आपके एक आमीन लिखने से तमाम तरह स्टूडेंट्स जो है अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा।